सवाल ये है, ये घटिया बयान दिया ही क्यों गया? सीधे सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास, दीपांकर जी, प्रेम शुक्ला जी से जवाब मिलना चाहिए। अगर रोटी और बेटी के रिश्ते थे तो ये हालात क्यों बने? क्यों दिया ओली ने बयान? और क्या क्या कहना है आपका विवेक श्रीवास्तव की इस बात को लेकर कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी राम का कॉपीराइट कर लेती है? ये तो नेपाल की तरफ से स्पष्टीकरण आ चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि नेपाल के आदरणीय केपी शर्मा ओली जी ने जो वक्तव्य दिया उसे नेपाल भी सहमत नहीं है, और जब नेपाल उनसे सहमत नहीं है तो उनकी बात में असहमति का कितना जबरदस्त प्रतिशत है वो अपने आप स्वयं सिद्ध है। जहाँ तक रही हमारे वामपंथी भाई विवेक श्रीवास्तव, इतना तो निश्चित है कि अब पूरा विश्व देख रहा है कि वाम भी राम में आस्था प्रकट करने के लिए मजबूर है। विवेक श्रीवास्तव जी को भी राम में आस्था प्रकट करने राम का आस्था अवसर किसी ने प्रकट नहीं करी है के नाते ही सही। राम में आस्था किसी ने प्रकट नहीं करी है, केपी शर्मा ओली ने करी है।